हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चंस की बात आज हम लोग करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चंस है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 9/10, फाइंड द फ्रैक्शन। कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 3 बड़ा है। मतलब एक जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 बड़ा है। तो पहले हम लोग जो है न्यूमरेटर मान लें, लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर से 3 बड़ा है तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा। फ्रैक्शंस क्या होगा? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है एक्स, एक्स बाई एक्स प्लस 3, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। फिर कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, द सम ऑफ फ्रैक्शन माने इस फ्रैक्शन का सम किसके साथ, इट्स रेसिप्रोकल। मतलब जब इसको रेसिप्रोकल कर दें, माने ये ऊपर ये नीचे कर दें, तो जो दो फ्रैक्शन आएगा उसका सम इतना दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स बाई एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 9/10। अब ये एक्स एक्स प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स आया, एक्स का एक्स में कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे ये कटा, इसका इसमें करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 20 और 29/10। अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। अब ये हो जाएगा 29x स्क्वायर प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे 87x, 10 से इसमें कर देंगे 20x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90। अब इसको एक्स स्क्वायर को इधर बुला लें, यदि इधर बुलाते हैं तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसको यदि इधर बुला लें तो प्लस 27x हो जाएगा, इसको इधर बुला लीजिए 90 इज इक्वल टू 0। 9 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो 10 है, 10 को ब्रेक कर दें 2 और 5 आएगा, तो इसी की सहायता से हमको 3 लाना है, तो 5x में से 2x माइनस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लें, x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और एक आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि x प्लस 5 भी आएगा इसमें, तो इसको यदि 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम लेंगे, अब x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 यदि यहाँ रख दें तो 2 यहाँ आ जाएगा, बाई 2 में 3 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2/5, ये आंसर हो जाएगा, माने आंसर हो जाएगा 2/5, दिस इज एग्जैक्ट फ्रैक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है
द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 छोटा है, तो डिनोमिनेटर हम पहले x मान लें, लेट डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, तो न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हो जाएगा, कह रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 छोटा है, माने डिनोमिनेटर यदि x माने हैं तो न्यूमरेटर जो होगा हमारा x में से 3 छोटा कर दीजिए, माने x माइनस 3 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन जो होगा हमारा, फ्रैक्शन आ जाएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है हमारा x माइनस 3 और डिनोमिनेटर है x, ये फ्रैक्शन हो जाएगा x माइनस 3 बाई एक्स। फिर आगे कह रहा है इफ वन इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, कह रहा है कि डिनोमिनेटर में यदि वन एड कर दें, न्यूमिनेटर में नहीं डिनोमिनेटर में माने नीचे वाले में, तो x माइनस 3 ये तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, नीचे कह रहा है कि एक एड करने के लिए, तो x में 1 एड कर दीजिए, माने फ्रैक्शन हमारा ये आएगा, तो फ्रैक्शन इज डिक्रीज। अब ये जो फ्रैक्शन आया कह रहा है कि इट इज डिक्रीज बाई इतना, मतलब पहले के फ्रैक्शन से 1/15 जो है 1/15 डिक्रीज हो जा रहा है, माने घट जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो शुरू में फ्रैक्शन हमारा कितना था, x माइनस 3 बाई एक्स था, माइनस 1/15। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/15। एलसीएम ले लें, x x प्लस 1 आया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x बचा, x का इसमें इंटू कर दीजिए, x का x में इंटू करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x से डिवाइड करेंगे तो ये कटा, x प्लस 1 का इसमें इंटू कर दीजिए, तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का माइनस 3 में करेंगे माइनस 3x, 1 का x में करेंगे प्लस x, 1 का माइनस 3 में करेंगे माइनस 3, माइनस 1/15। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 3 बाई, इसका भी इंटू कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1/15। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, ये तो कट ही रहा है, ये भी कट रहा है, तो x स्क्वायर प्लस x का माइनस 1 में इंटू करेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 15 से इधर इंटू कर दीजिए, माइनस 15x और 15 से 3 में करिए 45, माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 15x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब 45 का फैक्टर करेंगे तो 45 का फैक्टर करेंगे तो 5 और 9 आएगा, अब ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें, x माइनस 9 माइनस 5 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, माने x माइनस 5 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक 5 आ गया, x की वैल्यू एक 9 आ गया। अब फ्रैक्शन हमारा देख रहे हैं, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन है x माइनस 3 बाई एक्स, तो x की वैल्यू रख दें यहाँ, यदि 5 रखते हैं तो 5 माइनस 3 बाई 5 ये आ जाएगा 2/5,
या नाइन रख दें, नाइन रखें तो नाइन माइनस थ्री माने सिक्स बाई नाइन, थ्री से काट दें, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, तो या तो थ्री बाई फाइव आएगा या टू बाई थ्री आएगा, यही दोनों हमारा आंसर आएगा।